हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारत का सबसे बड़ा रिन्यूएबल हाइब्रिड एनर्जी पार्क जैसलमेर में बनेगा। 1,00,000 हेक्टेयर जमीन पर लगेंगे प्लांट। देश का सबसे बड़ा रिन्यूएबल हाइब्रिड एनर्जी पार्क जैसलमेर में बनने जा रहा है। स्वर्ण नगरी की सूर्य किरणों व हवा जैसलमेर को देश का सबसे बड़ा एनर्जी हब बनाने जा रही है। वर्तमान में यहां सोलर व विंड से 6,500 मेगावाट बिजली उत्पन्न हो रही है। सरकार के नए प्रोजेक्ट के तहत बॉर्डर एरिया में खाली जमीन पर देश का सबसे बड़ा पार्क बनाया जाएगा। इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है और बॉर्डर एरिया में 1,00,000 हेक्टेयर जमीन चिन्हित कर ली गई है। इस जमीन पर 50,000 मेगावाट क्षमता के सोलर व विंड प्लांट लगाए जाएंगे। इसके बाद जैसलमेर रिन्यूएबल एनर्जी में सिरमौर बनेगा। रिन्यूएबल एनर्जी की अनंत संभावनाएं जैसलमेर में मौजूद है। यहां साल में 365 दिन में से 325 दिन सोलर एनर्जी उत्पादन के लिए सूर्य किरण पड़ती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां कितनी बिजली पैदा करने की क्षमता मौजूद है। रिन्यूएबल एनर्जी में सर्वाधिक बिजली उत्पादन सोलर व विंड से हो रहा है। बॉर्डर एरिया में बनाने जा रहे इस पार्क में सोलर व विंड के प्लांट लगेंगे, जहां एक से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन के प्लांट होते हैं। इसे हाइब्रिड एनर्जी कहते हैं। ये योजना राज्य सरकार की है और देश की कई कंपनियों व सरकारी कंपनियों के साथ MOU किया जाएगा। इसके तहत ये कंपनियां अपने स्तर पर उन्हें आवंटित जमीन पर सोलर व विंड के प्रोजेक्ट लगाएगी। बॉर्डर एरिया में इतने बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन से सरहद पर आसानी से रोशनी की जा सकेगी, ताकि रात में भी हमारे जवान आसानी से बॉर्डर की निगरानी कर सके। साथ ही साथ आगामी समय में अत्याधुनिक तकनीक के लिए सामरिक दृष्टि से यदि बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए बिजली की जरूरत पड़ेगी तो इस पार्क से कनेक्टिविटी आसान होगी। वर्तमान में राजस्थान में 21,770 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है, जिसमें 12,741 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी है। जैसलमेर में बनने वाले रिन्यूएबल हाइब्रिड एनर्जी पार्क में ही 50,000 मेगावाट का उत्पादन होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जैसलमेर पूरे देश को 60,000 मेगावाट बिजली सप्लाई करेगा। ये बिजली 3 राज्यों की खपत के बराबर होगी। प्रदेश में चलने वाले हवाओं व सूर्य की किरणों से बिजली उत्पादन की अपार संभावना है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में सोलर व विंड से 2.70 लाख मेगावाट की क्षमता के प्लांट लगाए जा सकते हैं। फिलहाल इस आंकड़े को छूने के लिए पहला बड़ा प्रयास जैसलमेर से शुरू किया जा रहा है। आगामी 5 सालों में प्रदेश में 1,00,000 मेगावाट क्षमता के प्रोजेक्ट लग जाएंगे। देश में वर्तमान में सर्वाधिक बिजली उत्पादन तापीय संयंत्रों से हो रहा है। ऐसे में लगातार कोयले की कमी के चलते बिजली सप्लाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। कोयले की कमी के बीच जैसलमेर में लगने वाले पार्क से देश भर में बिजली सप्लाई होगी। राजस्थान प्रदेश वर्तमान में सौर ऊर्जा में देश में पहले पायदान पर है। यहां 7,738 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट लग चुके हैं, जबकि कर्नाटक 7,469 मेगावाट के साथ दूसरे व 5,808 मेगावाट क्षमता के साथ गुजरात तीसरे स्थान पर है। इसी तरह विंड एनर्जी में 4,400 मेगावाट क्षमता के साथ राज्य 5वें स्थान पर है, जबकि 8,874 मेगावाट क्षमता के साथ तमिलनाडु अग्रणी है। सबसे बड़े हाइब्रिड पार्क बनने के बाद राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी में अग्रणी राज्य बन जाएगा। जैसलमेर में सोलर व विंड की अपार संभावनाएं। राज्य सरकार की योजना के तहत बॉर्डर से लगती 1,00,000 हेक्टेयर जमीन पर 50,000 मेगावाट का रिन्यूएबल हाइब्रिड एनर्जी पार्क बनेगा। इसके बाद देश की विभिन्न कंपनियां व सरकारी उपक्रम अपने प्लांट लगाएगी। जमीन चिन्हित कर ली गई है और जल्द ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा। ये पार्क देश का सबसे बड़ा एनर्जी पार्क होगा। रजनीकांत गौतम, प्रोजेक्ट अधिकारी राजस्थान, अध्यक्ष ऊर्जा निगम, जागरूक टीवी की जैसलमेर से अचल डांगरा की रिपोर्ट।